तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश। बात करेंगे अवांटेल के बारे में। 13 सितंबर 2023 का यहां पे एक बड़ा सा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। इसकी वजह से शेयर के प्राइस में तेज़ी भी देखने के लिए मिली है, और देखेंगे तो नीचे से तेज़ी देखने के लिए मिली है। हालांकि गिरावट है नेट टू नेट 1.25% का। अब न्यूज़ कौन सी है उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी जिसके देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगर हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी को सामग्री संगठन से 13 सितंबर 2023 को ईमेल के माध्यम से 7.03 करोड़, मतलब 7 करोड़ 3 लाख रुपए का जो है एक आपूर्ति आदेश प्राप्त हुआ है, जो विशाखापट्टनम से है, ठीक है ना। तो ये कंपनी बता रही है कि 7 करोड़ का इनको जो है एक ऑर्डर मिला है सामग्री संगठन से, विशाखापट्टनम से, ठीक है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। हालांकि समझ में तो मुझे नहीं आया कि किस काम के लिए, क्योंकि कंपनी बताना चाहिए इसको। अब अवांटेल का काम देखना पड़ेगा कि अवांटेल क्या करती है, ठीक है ना। चलिए अब इसका हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यू देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है। कंपनी के बारे में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसके रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। वहीं पे इसका नेट प्रॉफिट भी देखेंगे हम लोग तो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो चलिए, अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने के लिए मिली है और बुक वैल्यू में भी गिरावट देखने के लिए मिली है, लेकिन सेल्स प्रॉफिट इसका लगातार बढ़ रहा है साल दर साल बेसिस पे। अगर इसका हम लोग देखेंगे रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी बढ़ रहा है। हाल फिलहाल में कंपनी ने ना स्टॉक स्प्लिट दिया था, 14 अगस्त 2023 को इसका एक्स डेट था, इस पर वीडियो बनाया था, तो इसीलिए सोचा कि फिर से वीडियो बना दूँ। बोनस भी इसने दिया था, लेकिन 2022 में जुलाई में इसने बोनस दिया था, एक शेयर के बदले में हम लोगों को 2-3 शेयर दिया था। अब इसका चार्ट तो चलिए यहीं पे हम लोग देख लेंगे। हाल फिलहाल में कंपनी ने हम लोगों को अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो। 1 महीने में 30% का रिटर्न, 3 महीने में 60% का, और इस साल का टोटल रिटर्न देखेंगे हम लोग तो 186% का है। लेकिन एक साल का अगर हम लोग 52 वीक का देखेंगे रिटर्न, तो लगभग लगभग इसने हम लोगों को 276% का रिटर्न दिया है, और 3 साल में हम लोगों का पैसा इसने जो है 9 गुना कर दिया है। अगर इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो अभी इसका जो सपोर्ट नीचे के साइड में बना है वहीं हम लोगों को स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा, और इसी काम लोगों को स्टॉप लॉस फॉलो करना है 205 रुपये का। ऊपर जो टारगेट इसका बनेगा 300 रुपये के आसपास का इसका टारगेट बनेगा, ठीक है ना। हालांकि एक रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल पास में है, 236 रुपये पे है। अगर ये 236 रुपये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ऊपर साइड में तो सीधा 300 पे जाएगा, लेकिन इसके बीच में जब रहेगा, मतलब 205 से लेकर 240 के बीच में, तो एक कंसोलिडेट भी कर सकता है, ऐसी संभावना है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से उसके बाद इस तरह से मोमेंटम बनेगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ करके लाइक करिएगा। आगे भी इस स्टॉक की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा।